कि हमारे पुरखे 100 साल 200 साल पहले अपने घर के सभी सदस्यों के साथ उस जमीन में जाते थे जिस जमीन में कंकड़ पत्थर हो, जो जमीन उबड़ खाबड़ हो, उसे कोड़ कोड़ कर, कोड़ना समझते हैं, कोड़ कोड़ कर उसे जोतने के जैसा बनाते थे, उसको हम लोग कारा करते थे, उसे हमें कारा करते थे। वैसे जमीन सब है, तो कहावत है ना कि जहां जहां तक पानी के स्रोत वहां तक हमरा के जोत, यानी हमारे पुरखा में ज्योति गेला है, हमारे पुरखों ने जोता है, कोड़ा है, तब आज ये जमीन है। और आज अगर ये लोग आंख से आंख गड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें हम उसी की भाषा में उत्तर देना चाहेंगे। हमारे राज के बहुत महान नेता थे जिन्होंने स्पष्ट कहा था, संसद में कहा था, जयपाल सिंह मुंडा बहुत ही महान विद्वान, झारखंड निर्माण में उनकी भी आधारशिला उन्होंने रखी थी। उन्होंने एक लाइन कहा था संसद में कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास करते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित हो। आज क्या है विकास का माना, क्या डैम बना देना, डैम बना विकास, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, वो तो कब्र है। हमारे जमीन छीने गए, हमारे विस्थापन हुआ, आज कहीं भी टाटा रहे, सिंदरी का धनबाद रहे या बोकारो का प्लांट रहे, जिसकी जमीन गई है वे लोग कहाँ है, वे लोग पर विस्थापन हो रहे हैं, वे लोग पलायन हो रहे हैं, और मजा बाहरी लोग जो लोग यहाँ विकर्मण करके रह रहे हैं। तो यही लड़ाई है, आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारा लड़ाई को नहीं लड़ पाएगी। आज आप कहीं जाइए, किसी क्षेत्र में जाइए, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वो एक गुलाम की तरह है। सभी किसी जगह जाइए, हमारे लोग मजदूर बन के हैं और बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के आते हैं। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो किसी मंत्री ने एक लाइन कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाना शकरकंद, बिहार के किसी मंत्री ने कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाइए शकरकंद, तो उन लोग बहुत होशियार था, उन लोग बोला कि शकरकंद कहे खाएंगे, झारखंड में कोयला अभराग तो झारखंड में छूट गया। तो लोग आज तक ऐसा नीति बनाया, ऐसा नियम बनाया कि आज भी झारखंडी की पहचान नहीं हो पाई कि झारखंडी कौन है। जो तंबू गाड़ते 2 दिन पहले वो भी झारखंडी, और जो 100 साल से वो भी झारखंडी, ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधी अन्याय है। कोई अगर जमीन छीन ले वो भी झारखंडी। और वही हुआ ना, जो लोग यहाँ कंपनी में काम करने आते थे, टाटा पीसी के लोगों को क्वार्टर दिया था, उसका मतलब क्या था, नौकरी किए तब जाइए ना भाई, जहाँ आपका घर है उन लोग फिर कब्जा जमा के बैठ गया, कैसे गिनेंगे झारखंडी। झारखंड ऐसे नहीं बना है कि कोई यहाँ आए चारा का समझे और झारखंड उसका हो जाए, सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, सब राज्यों की अपनी पहचान है। आप बंगाल जाइए वहाँ आपको बंगला आना होगा, आप गुजरात जाइए वहाँ आपको गुजराती आना होगा, आप महाराष्ट्र जाइए वहाँ आपको मराठी आना होगा, लेकिन झारखंड सबका, मतलब झारखंड का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधी अन्याय है भाई। इसी अन्याय के खिलाफ हमारी और आपकी ये लड़ाई होने जा रही है, और आज लड़ना होगा, आज लड़ना होगा। ये आंदोलन की धरती है, ये बिरसा की धरती है, सिंधु कानू रघुनाथ महतो तिलका मांझी शहीद हेमंत महतो की धरती है, आपको लड़ना होगा। आप क्या सोचते हैं कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई मसीहा आएगा क्या? कोई मसीहा आने वाला नहीं है, मसीहा केवल किताबों में होते हैं। आपको लड़ना होगा, क्रांतिकारी हर भीड़ में से बढ़ना होगा, आपको बढ़ना होगा। आज बेशक हम धनबाद से चल के आए हैं 200 किलोमीटर, क्या हम रोज रोज आ पाएंगे? नहीं ना। तो आपको बढ़ना होगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा। कोई मसीहा आने वाला नहीं है। और आप सोचते हैं ना कि हमको विधायक चुने हैं, मंत्री चुने हैं, सांसद चुने हैं, क्या वे लोग लड़ाई में साथ देंगे? नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे बताना चाहेंगे। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। कल मेरा क्या भविष्य होगा पीएचडी करने के बाद, जबकि हायर एजुकेशन है, पीएचडी करने के बाद मेरा कल क्या भविष्य होगा हमको नहीं मालूम। इतना पढ़े हैं, इतना जानते हैं, लेकिन हमको कल का भविष्य मालूम नहीं है। और जो विधायक जी है ना, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा जन्म ले डिनोबनी में लिखा है वो, बेटी जेले चिन्मया में लिखा है। माँ की कोख में भी बेटा का शादी नहीं हुआ है मंत्री जी का, और तय कर लिया है कि
कि बेटा होगा तो टट्टा में डालेंगे, बेटी होगी तो यहाँ खिलाएंगे और नतनी होगी तो यहाँ खिलाएंगे। वो आपका लड़ाई को लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वे लोग आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। वे लगातार गलत काम करके अरबपति हो चुके हैं, खरबपति हो चुके हैं, वे आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई खाली पेट लड़ी जाती है, एक बात याद रखिएगा, घर में भी आपका जो बेटी रहे चाहे बेटा रहे तभी झगड़ा करता है, बर्तन पटकता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, एक बात याद रखिएगा, पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, क्रांति नहीं करता है। ये विधायक मंत्री करोड़पति है, इनका आने वाला 10 पीढ़ी बैठ के खाना खाएगा, इनको आपके आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, यह आंदोलन आपका है। केजीएफ का मूवी देखे हैं? केजीएफ में गड़ुआ था, गड़ुरा सोना बेच बेच के, चोरी का स्मगलिंग का, गड़ुरा सोना बेच बेच के खरबपति हो गया था। हम लोग का जितना नेता विधायक मंत्री है ये लोग गड़ुरा है, थोड़ा सा फर्क है। वो सोना बेचता था, ये लोग कोयला माटी बालू जंगल का लकड़ी बेचता है, थोड़ा सा फर्क है। यही बात है, वो गड़ुरा सोना बेचता था, ये लोग कोयला बालू माटी पत्थर पहाड़ जंगल बेचता है, ये लोग गड़ुरा है। तो गड़ुरा तो सही आदमी नहीं था, गड़ुरा तो सही आदमी नहीं था भाई, तो गड़ुरा का साम्राज्य खत्म होना चाहिए था अपना। यही तो फिल्म देखने के बाद तो मन में यही आ गई, गड़ुरा खत्म होना चाहिए, तो ये लोग भी तो खत्म होना चाहिए ना। तो भाई रोकी कौन बनेगा? तो रोकी बनना होगा ना, ये बनेगा भाई, ऐसे गड़ुरा खत्म होगा। क्रांतिकारी रॉकी माने क्रांतिकारी, हमारी माए भी क्रांतिकारी, बहने भी क्रांतिकारी, भाई भी क्रांतिकारी, तब इनके साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। और हम तो हमेशा कहे हैं कि मरने से कहे डरना, कहे डरना, मरने से कहे डरना। इस सूरज को देख रहे हैं आप, इस सूरज को देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा है मालूम है? हम लोग का दिमाग में नहीं हटेगा, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है सूरज को, इतना इसका एरिया, 6 ट्रिलियन, इनमें लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे, ट्रिलियन, उतना बड़ा सूरज है, एक दिन ही सूरज तो मर जाएगा, एक दिन ही सूरज तो भी मर जाएगा। ये धरती जिसमें हम लोग का कितना बड़ा है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये धरती एक दिन मर जाएगी। ये हिमालय का पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ये पहाड़ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ये भी एक दिन सूख जाएगा। मतलब अरे हर कोई एक दिन मरेगा, तो मरने से मरने से। ये नदी नाला पर्वत पहाड़ चांद सूरज सब मिटेगा, सब मरेगा, हम कौन है? लेकिन हाँ, जब तक जिएंगे हक अधिकार के साथ जिएंगे, गुलाम होके नहीं जिएंगे। नहीं डरना है मरने से, क्यों डरेंगे? किसी के पास तो जमीन नहीं है, मेरे पुरखों ने बना दिया है, मेरे पुरखों की जमीन है। कंपनी आती है, आए हम कब मना किए हैं? आइए ना, विकास की बात करते हैं ना कि कंपनी आएगी विकास करेंगे, आइए विकास कीजिए, लेकिन पहला योगदान उसका होगा जिसकी जमीन जाएगी। आप कंपनी को सीधा चताइए, कंपनी की आंख में आंख डालकर मौत से डमक करिए, कंपनी की आंख में आंख डाल के कहिए जमीन मेरी गई है, अब नौकर बनने के लिए नौकरी नहीं करेंगे, जितना जमीन गया है उतना परसेंटेज में हिस्सा लेंगे, नौकर जितना जमीन गया है, डिसमिल में गया तो डिसमिल में लेंगे, एकड़ में गया तो एकड़ में लेंगे, जमीन का हिस्सा लेंगे, नौकरी हम बांटेंगे, जमीन मेरा बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं। और कंपनी वाला रहे चाहे बड़का प्रशासन रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, मंत्री रहे, वो भी उसी हार मान से बना है जिससे हम बने हैं, बस हमारे अंदर ये डर बैठा है, डर डर डर। इसी डर को मिटाने के लिए कोलांचल से कोल्हान आए हैं, इसी डर को मिटाने के लिए। अगर बेमान सरकारें, बेमान कंपनियां यदि बंदूक लेकर आएंगे,
याद रखिएगा, ये बिरसा निर्मल की धरती है, सामना तीर धनुक से करेंगे। अन्याय के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। हमारे पुरखों ने अन्याय सह लिया है, जितना सहने का था सह लिया है, अब अन्याय नहीं सहेंगे। अन्याय का पलटवार करेंगे, जो बात जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में बात करेंगे। साथ ही हम संदेश लेना चाहेंगे कि हम दो हमारे दो, अब इस सिस्टम को भी बदला जाए। अब तीन होना चाहिए, तमाम भाई बहन सबसे निवेदन करेगा। तीसरा अगर बेटा बनते हैं तो बिरसा निर्मल बनाओ, और बेटी बनती है तो फूलो जानो रानी शिरोमणि बनाओ। एक को बनाओ, एक को बेटा बेटी को मास्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जे बनाना है बनाओ, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाओ, एक को निर्मल बिरसा बनाओ, जे जमीन माचल हो ऑटो एग्री वोट में जमीन लुटने का काम करेंगे। एक को बनाओ, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। एक को तिलका बनाओ, एक को रघुनाथ बनाओ, ये समय की मांग है। कहे कि मास्टरनी बेटी तो पढ़ी लिखी होगी, वो बेमानतों से नहीं लड़ पाएगी, वो बेमानतों से नहीं लड़ पाएगी। उस बेमानतों से लड़ने के लिए एक को चाहे उसको पीस पिलाना पड़े, अभी से पीस पिलाइए, उसको तीता खिलाइए, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाइए। यही मेरा संदेश होगा। आने वाला दिन और भीषण युद्ध होने की आशंका है, क्या आप देख ही रहे हैं। ये लोग कहते थे ना कि भैया हम लोग तो जल जमीन जंगल की सरकार है, हम लोग तो झारखंड के हित में काम करेंगे, लेकिन ये लोग हित में नहीं, ये लोग तो कॉमेडी में पैसा खर्चा कर रहा है। अब बोलेगा कैसे, एक क्रिकेट का मैच खेला था मंत्री और विधायक लोग, बैट पकड़ने का ढंग नहीं है, बैट समझ रहे बच्चा लोग कहता है, बैट पकड़ने का ढंग नहीं है। ये लोग क्रिकेट का मैच खेला था, 70 लाख रुपया खर्चा किया था, 70 लाख रुपया। यहाँ जनता भूखी प्यासी है, हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, और ये बेमान नेता मंत्री 70 लाख में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बुढ़ोन पकड़ मोड़न चोल पकड़ सदा सदा चोल बोले क्रिकेट खेल रहे 70 लाख में। यही नहीं, अपनी आयोग फरमान है, अपनी और एक पेपर में देखिएगा कि 67 करोड़ रुपया खर्चा होगा मंत्री लोग का घर बनाने में। अरे बाप, मंत्री सबके घरे नहीं है क्या? कितना बेशरम, कितना निर्लज, कितना बेहया सरकार, और इन लोग का बेमान मंत्री यहाँ। मेरा गरीब स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट रोज आंदोलन कर रहा है कि भाई को 10,000 का भी नौकरी दे दो ना, पढ़ लिख लिए हैं, सुधाई नहीं दे रहा है। इन लोग 6-6 करोड़ में घर बनाएगा, लगता है इन लोग बेघर है, कितना बेमानी चल रहा है। कुछ दिन पहले से 50-50 लाख में लोग स्कॉर्पियो गिफ्ट दिया कि फॉर्चूनर दिया है, हाय रे भगवान, गाड़ी है ना लिखने की। तो इसीलिए लड़ाई आने वाला दिन और भीषण होगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको आपकी लड़ाई और इनके भरोसे कभी नहीं। इन सरकारों से अच्छी तो अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज पूछा है ना, अंग्रेज इससे अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने 1908 में सीएनटी कानून बनाया था। अंग्रेजों ने 1908 में छोटा नागपुर में सीएनटी कानून बनाया था, छोटा